गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर द ऑपरेटर्स। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम एक बार श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसका सोल्यूशन देख लेते हैं कैसे है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इट इज गिवन बाय कर्ल डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर एंड हियर इज डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डी वाई स्क्वायर एंड डी स्क्वायर साई एंड डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर ई माइनस वी एंड साइन इज इक्वल टू 0। दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, इट इज रिटन एज दिस इज डी स्क्वायर साइन डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर एंड डी स्क्वायर साइन डिवाइड बाय डी वाई स्क्वायर d square side divided by dz square and here is a pi square m e side divided by x square minus a pi square m divided by x square and d side is equal to 0 is there. अगर ये this factor और ये फैक्टर अगर दूसरी तरफ ले जाए तो इट विल बी दैट विल बी माइनस प्लस एंड दैट विल बी माइनस। सो देयरफॉर इट विल कम हियर डी स्क्वायर साइन डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर साइन डिवाइडेड बाय डी वाई स्क्वायर एंड डी स्क्वायर साइन डिवाइडेड बाय डी जेड स्क्वायर प्लस हियर इज 8 पाई स्क्वायर एम वी साइन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर and is equal to a pi square m e sin divided by x square। अगर ये इक्वेशन जो बनी है इसके दोनों तरफ अगर इसको हम मान लेते हैं, अगर हम दोनों तरफ जो है इसको मल्टीप्लाई करें both side by x square divided by 8 pi square m, तो therefore यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा x square 8 pi square m, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इज हियर इट विल बी द d square divided by dx square and sorry this is the d is here and d square divided by dy square and d square divided by dz square and plus अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम d psi and is equal to this is the e psi, so we will left this one and अगर इसको इसी के साथ लिख दें तो इट विल बी 8 pi square m and here is the d square divided by dx square and d square divided by dy square and d square divided by dz square and plus v and psi is equal to here is the e psi. So this is by the solving that we will get this. You know that इस वाले को हम क्या कहते हैं, लैप्लेसियन ऑपरेटर कहते हैं। अभी हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो लेट्स सी कि अगर इट इज विजिबल वे सो देयरफॉर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर एम एंड इट इज रिटन एज हियर डेल स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर इसके साथ ये साई लगेगा प्लस वी साई दिस इज इक्वल टू ई साई इट इज लाइक दिस वे। सो ये जो हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई है, इसको हम क्या कहते हैं एच साई। सो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू हियर इज ई साई and this is called as H capital, which is called Hamiltonian, which is called Hamiltonian operator. So this is H psi is equal to here is the E psi.
ये एच को हम यूजली हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। अब ये ऑपरेटर टर्म क्या है, तो लेट्स सी वी विल स्टडी द ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन विच वन ऑपरेटेड ऑन ए फंक्शन एंड देन इट गिव ए न्यू फंक्शन। एंड इन जनरल हम इसको इस तरह से लिखते हैं, दिस इज एन ऑपरेटर एंड दिस इज ए फंक्शन। When it is, this is operator is and then this is a function, so then we will get here new function. It is like this. So अब operator की अगर बात करें कि operator क्या चीज है, तो let's see कि अगर हम d by dx को operator मान लें और यहाँ पे function जो है sine, उसको हम sine x मान लें। So, अगर ये फंक्शन साई है दैट इज साइन एक्स और ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, अगर ये फंक्शन इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो जो नया नई टर्म आएगी दैट इज अ न्यू फंक्शन। सो लेट्स सी इज द डी बाई डी एक्स इज हियर एंड इज द साई इज हियर, तो देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स एंड हियर इज द साइन एक्स। तो साइन की डिफरेंशिएशन इज द कॉस, so this is the cos x is here, so therefore d psi cos dx जो है this is the cos x। अब हमने एक और डिस्कशन की थी पहले, उस नोट्स में मैंने भी डिस्कस किया था कि सम ऑफ ऑल द आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द आइगन फंक्शन एंड व्हाट इज द आइगन वैल्यू। सो लेट्स सी कि अगर हमारे पास ये ऑपरेटर है d स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx के रिजल्ट ऑपरेटर, तो अगर ये ऑपरेटर इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट हो रहा है दैट इज द साइन एक्स, और ऑपरेटर इज सेट टू बी द आइगन ऑपरेटर और ए फंक्शन इज सेट टू बी द आइगन फंक्शन, इफ ये वाला ऑपरेटर अगर इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होता है and after operating it give the same result, give the same function, अगर उसका same function आ जाता है and that operator is called eigen operator or that function is called as the eigen function. So when this operator is operated on this function and when this operator is operated on this function then we get the same function, उसका जो similar same function आ जाए so that is called as the आइगन फंक्शन, आइगन आइगन ऑपरेटर, और जो फंक्शन है वो आइगन फंक्शन होता है। समटाइम क्या हो जाता है कि उस फंक्शन के साथ कोई वैल्यू आ जाती है एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज द आइगन वैल्यू। नाउ सी हियर दैट अगर ये ऑपरेटर है और ये फंक्शन है, सो इफ वी दिस ऑपरेट दिस वन दिस इज द डी डिवाइडेड बाय डी एक्स हियर एंड दिस इज द साइन एंड वी विल सॉल्व इट इन द स्टेप बाय स्टेप, इट विल बी द डी बाय डी एक्स and it will be the here sine x, so it will be the d by dx and the sine की differentiation क्या है, it is the cos x, and after that जब हम इसकी double differentiation करेंगे तो it will be the minus sine x, तो it will be this is the d square divided by dx square and the sine is here। अगर इसके साथ ये माइनस वन लिख लें एंड इट इज साइन एक्स इज हियर साइन एक्स, तो ये जो साइन एक्स है वो तो साइन से मैच कर रहा है। दैट मींस से कि दिस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी साइन डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हिट्स माइनस वन एंड दिस साइन। दैट मींस से तो जो हम फंक्शन लेके चले थे तो आफ्टर ऑपरेटिंग दिस फंक्शन ऑपरेटिंग ऑन दिस ऑपरेटर वी गेट द सेम फंक्शन दिस साइन एंड सच फंक्शन इज कॉल्ड एज द आइगन फंक्शन एंड द वैल्यू हियर जो उसके साथ आ रही है दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। हियर आइगन वैल्यू कितनी है, इट इज माइनस वन एंड दिस ऑपरेटर विच इज गिविंग द रियल वैल्यू आफ्टर ऑपरेटिंग ऑन दिस फंक्शन एंड दैट इज कॉल्ड एज द आइगन ऑपरेटर।
And so this is some of the example that okay, what is eigen function and what is the eigen operator. So after that, operators are of the different type, and the first is the addition operator, जिसे कहते हैं addition operator. अगर हम suppose this e vector जिसको हम बोलते हैं, इसको हम operator कहते हैं, and अगर हमारे पास addition का मतलब है कि अगर e operator है, this is e is an operator, and b is an operator. Where it is operator on a function. This a operator and then b operator, when operator on a function, and we are adding operator here, and then we get a new function that is poses the f dash. So therefore, this is called an addition operator. When we are adding the operator and then operate on the function, then we get a new function. This is called as the addition operator. Firstly, we have to add the operator, and then operate on this function, and then we get a new function that is called here addition operator. Addition के बाद जो है subtraction आ जाता है. What is the subtraction operator? Subtraction में क्या आता है, if we have a operator and this is the b operator, when operate on a function, and we get the, again a new function, this is f dash. That would say, firstly we have to subtract the operator, and then the that result is operated on the function, and then we get a new function. And this is called as a subtraction operator. So this is the subtraction operator. इसके बाद जो आ जाता है multiplication. Multiplication operator. अब ये मल्टीप्लीकेशन में क्या है, इफ वी हैव ए ऑपरेटर एंड दिस इज द बी ऑपरेटर एंड दिस इज द फंक्शन एफ, दिस इज द फंक्शन एफ, वी विल गेट अ फंक्शन दिस इज एफ डबल एच. तो दिस इज कॉल्ड एज द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर. तो हाउ दिस ऑपरेट, तो फर्स्टली तो हम क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन है, दिस वन फंक्शन, this will operate on the function on the operator b first. अगर ये operator a sorry this function जो है अगर b operator के ऊपर operate करेगा, so therefore ये पहले इसके ऊपर operate करके जो है this is a operator, this is b operator, and पहले ये इसके ऊपर होगा, we get the result here is f dash. जब ये इसके ऊपर ऑपरेट हो जाएगा, लीव दैट ये पहले इसके ऊपर ऑपरेट होगा, तो वी गेटिंग द एफ डैश. देन दिस ऑपरेटर इज ऑपरेट ऑन द एफ डैश, एंड देन वी गेटिंग एफ डबल डैश. सो दिस इज कॉल्ड एज द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर. एंड इन दिस दिस फंक्शन इज फर्स्ट ऑपरेटेड ऑन द बी, एंड वी आर गेटिंग द एफ डैश, एंड देन दिस एफ डैश इज ऑपरेटेड ऑन दिस ए, एंड वी आर गेटिंग द न्यू फंक्शन. And this is called as the multiplication operator. अब इस अरे जो operators हैं, इनके अंदर कुछ इसकी numerical problem दे रखी है. अब हम जो multiplication operator है उसकी problem discuss करेंगे, तो उसके अंदर ये सबसे पहले problem आ जाती है this numerical x d by dx and the scalar. तो इसको हमने simplify करना है. तो इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हम एक फंक्शन को अज्यूम करेंगे, दैट इज साई इज ए फंक्शन. तो लेट साई इज ए फंक्शन जो इसके ऊपर ऑपरेट होगा. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज एक्स डी डी डिवाइड बाय डी एक्स एंड देयर स्क्वायर एंड साई, दिस विल बी द साई इज द फंक्शन विच विल ऑपरेट हियर. We will write here d by dx. Here is x
divided by dx and it is sine. So this is the type of multiplication operator. This is the a operator and the b operator and this is the sine. पहले ये साइन बी ऑपरेटर के ऊपर ऑपरेट होगा, जो उसका रिजल्ट आएगा, देन इट इज ऑपरेटेड ऑन दिस फंक्शन एंड देन वी गेट अ न्यू फंक्शन एंड दैट इज एग्जांपल ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर. एंड हियर इज एक्स डी डिवाइडेड बाय डी एक्स एज सच है और इट विल बी रिटन एज दिस इज एक्स एंड इट इज द डी साइन डिवाइडेड बाय डी एक्स इज हियर एंड आफ्टर दैट हियर इज एक्स it is the d by dx is here and it is the x d sin divided by dx. Now there are the two function here, is the differentiation kar lenge, therefore we will get here x and it is the first function as such, differentiation of d sin divided by dx here and after that this is the d sin divided by dx as such and differentiation of x is 1. So therefore we get here x square d square sin divided by dx square plus here is x d sin divided by dx square. And finally इसको इसके साथ हम इस तरह से लिखेंगे इसको, this is x d by dx and this square and this sin and it's which is given as x d square divided by dx square plus x d divided by dx and the sign. So therefore this side is happening here, side answer kar sakte hain. To find that we will get the result. And this is x divided by dx. When operate on this, undergo the multiplication and therefore we will get the result this one. And here is x here. And this is the sort of example of the multiplication operator. And after that, one more is there. It is the d by dx and x, and this here is there. So, इसको भी हम function के साथ ही operate करेंगे. Let sine a function. अगर एक sine function है, तो उसके साथ हम इसको operate करेंगे. That is the d by dx. Here is x. And this sine is function, this is the d by dx and here is x, this is the d by dx and here is x and it is sine. And this is also a multiplication operator. Ye function pehle iske upar hi thi, iske upar hi operate hoga. So therefore this is the d by dx as such, here is x, so therefore this is the d by dx. And here is the x sine. So d by dx jo hai, here is x. So iski differentiation jo hai hum kar lenge. This first function x is here as such and the differentiation of sine d sine upon dx and then it's sine as such and the differentiation of x is 1. So after that ye x iske sath multiply hai. Therefore, d by dx as such, and with the x here, d sine divided by dx, plus with the x sine, and this particles. And now, we will differentiate again here. So, this is the first function x here as such, this is the d square sine divided by dx here, and then d sine divided by dx as such, and the differentiation of x here is the 2x. And after that here is the xi is here, so therefore x as such and the differentiation of sine is d sine upon dx and then sine as such and the differentiation of x is 1. Up to see here that this is the, it is written like this way, x here d square sine divided by dx square. So this is the 2x divided by 2x plus given there 3x and d sine divided by dx and this sine is here. And we have to write like this way, this is the d by dx
and this x and this here and this side. And finally, अगर सब में से यहाँ पे साइड कॉमन है तो इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट हियर जी एक्स बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स डी बाय डी एक्स प्लस वन एंड साइड इज हियर सो देयरफॉर डी डिवाइडेड बाय डी एक्स एंड एक्स एंड साइड इज दिस वन सो बाय दिस वे we can simplify it. This is a simple multiplication operator. इसके बाद जो है कुछ और एग्जाम्पल भी दे रखी हैं मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर की ही हैं तो लेट्स सी हियर इज डी डिवाइडेड बाय डी एक्स एंड हियर इज द प्लस एक्स डी डिवाइडेड बाय डी एक्स एंड हियर इज द माइनस एक्स सो इट इज द माइनस एक्स सिमिलरली इसके ऊपर भी हम लेट अज्यूम करेंगे लेट साई इज ए फंक्शन इन दैट केस ये भी मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर की ही एग्जाम्पल है तो वी विल लाइक दैट दिस इज डी बाय डी एक्स इज हियर दैट इज प्लस एक्स एंड हियर इज डी डिवाइडेड बाय डी एक्स माइनस एक्स एंड साई This function will first operate on this operator and then the result of this will operate on this one. So therefore, this is the d divided by dx plus x is here and if we will operate karenge, so it is the d divided by dx minus x and psi. This is written as d divided by dx plus x And here is this is the d divided by dx. ये इसके साथ भी multiply है. So therefore this is the d side and minus x side is here. And now after that this will be ये वाला जो है operator जो है वो इसके ऊपर operate होगा. So in that case this is the d by dx is here. And it will be d psi divided by dx minus x psi plus x is here. This is the d psi divided by dx minus x psi. Like this way. So therefore, हम इसको differentiation करेंगे तो it will be here. This is the d square psi divided by dx here, and it's minus. x d psi divided by dx and then here is psi minus as such and differentiation of x is 1 and after that if here is plus x d psi divided by dx minus x here and psi so when we will simplify it so see here that k it is the cancel here. So therefore this is the d square psi divided by dx square and minus psi minus x square psi is here. So finally isko hum simplify karenge d square divided by dx square minus 1 minus x square and psi dx square. And this is equal to d divided by dx plus x and this d divided by dx minus x psi is equal to this one and this is again sort of the multiplication operator and एक और भी multiplication operator में example दे रखी है That is